आपका दिया आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अस्टर के फूल कैसे बनाते पेपर से वो सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे पास पर्पल कलर का क्रेप पेपर है। हम पहले क्रेप पेपर से एक स्क्वायर काट लेंगे, कुछ इस तरह। हमें स्क्वायर चाहिए तो हम बराबर स्क्वायर काटेंगे। यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर मिल गया है। वैसे ही हम बहुत सारे स्क्वायर काट, यहाँ पर मैंने 5-6 स्क्वायर काट लिए हैं फूल बनाने के लिए। आप चाहे तो 5 या फिर 6 का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 पत्ते लेने वाली हूँ, 6 स्क्वायर। फर्स्ट हम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। हमने 3 बार मोड़ लिया है, ट्रायंगल बना लिया है। फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह, फिर हम यहाँ से ऐसे काटेंगे। अब फिर यहाँ से बीच में काटेंगे। यहाँ पर मैंने बीच में ऐसे कट कर लिया है। वैसे ही हम इस तरह और कट करेंगे। और ये कट के इसको ऐसे कोने से काट लेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा काट लिया है। फिर हम इसको इस तरह हम बाकी के 5 पेपर हैं हम उनको भी कट कर लेंगे। इस तरह मैंने ये काट लिया है। अब हम यहाँ से गोल काट लेंगे कोने से। यहाँ पर मैंने सारे स्क्वायर काट लिए हैं। अब हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसको यहाँ से बीच में से इसे काट लेंगे। वैसे ही हम हर फ्लावर को करेंगे। यहाँ पर मैंने सब काट लिए हैं। अब मैं इनको शेप दूंगी। यहाँ पर मेरे पास पेन है।
भी पंखुड़ियों को कुछ इस तरह नीचे की तरफ शेप देंगे। देखिए कुछ इस तरह नीचे की तरफ ऐसा फूल के तरह शेप आता है, वैसे ही हम पूरे पूरे पत्ती फ्लावर को मोड़ देंगे, शेप देंगे क्योंकि अपना फूल खिलकर दिखे। यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर की ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स ली है। यहाँ अब मैं इससे डंडी बनाने डंडी बनाऊंगी। यहाँ से ऐसे मैं फोल्ड करूंगी। इस तरह से डंडी बनाएंगे। इस तरह मैंने डंडी बना ली हूँ। अब मैं यहाँ पर लास्ट को कोने में ग्लू लगाऊंगी। इस तरह मैंने ग्लू लगा दी हूँ। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी डंडी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैं हमने जो लिए थे वो लूंगी, फ्लावर के फ्लावर बनाए थे वो लूंगी। इसको हम यहाँ से ग्लू लगाएंगे। मैंने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है। अब हम इसको डंडी को ऐसे गोल राउंड में लपेटते जाएंगे। फिर इसी तरह हम दूसरी पंखुड़ी भी लगाएंगे। यहाँ पर मैं दूसरी पंखुड़ी भी लगा रही हूँ उसी तरह। आप देख सकते हैं कि अस्टर को शेप आ रहा है, अपना अपना वाला फूल बन रहा है। इसी तरह हम दूसरे पंखुड़िया है उसको भी हम चिपका देंगे इसी तरह। इस तरह मैंने पूरे पंखुड़िया को चिपका दिया है। इस तरह मैंने पूरे पंखुड़ियों को चिपका दिया है और मेरा फूल बन गया है। अब मैं पीला क्रेप पेपर ले रही हूँ। इससे हम फूल के बीच में का पीला पार्ट्स लगाएंगे। यहाँ पर मैंने गोल काट लिया है, वो हम बराबर ग्लू से फूल के बराबर बीचों बीच लगाएंगे। ये देखिए हमारा फास्टर का फूल हो गया है। अब हम नीचे पत्ती काटेंगे। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन क्रेप पेपर ग्रीन के कार्ड पेपर है।
कुछ इस तरह हम यहाँ पर मैंने ये कुछ इस तरह काट लिया है। अब हम इसको फूल के नीचे की तरफ कुछ इस तरह चिपकाएंगे। यहाँ पर मैंने ये ग्रीन नीचे के फूल के या नीचे के चिपका दी हूँ। अब मैं यहाँ पर फूल की पत्ती बनाने वाली हूँ। अस्टर के फूल की पत्तियाँ बारीक होती हैं, तो हम बारीक पत्तियाँ काटेंगे। इसी तरह यहाँ पर मैंने चार पत्तियां काट ली है। अब हम इसको ग्लू से चिपकाएंगे। यहाँ पर मेरा अस्टर का फूल बन गया है। यहाँ पर मेरा फूल बन गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसी तरह अस्टर के फूल पिंक, वाइट, पर्पल कलर के रहते हैं, आप इसी तरह और भी फूल बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीन कलर के फूल बनाई हूँ, एक डार्क पिंक, लाइट पिंक और एक पर्पल कलर के। आप देख सकते हैं ये तीनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप अस्टर के फूलों का पूरा बंच बना सकते हैं और फ्लावर पॉट में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे अस्टर के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप इसमें वाइट कलर, जामुनी कलर और पिंक कलर भी बना सकते हैं। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए अस्टर के फूल बनाना। ये फूल स्कूल प्रोजेक्ट को भी बना सकते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।